उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर हल्ला बोल दिया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायकों ने भी 2022 चुनाव को लेकर जुमलेबाजी शुरू कर दी, जिसकी एक बानगी मुजफ्फरनगर में उस समय देखने को मिली जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पास समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल कश्मीर के हालात पर बोलते हुए कहा कि जब कश्मीर में आतंकवादी हमारे जवानों को मारते थे तो तब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने जाकर घुटने टेकते थे, भीख मांगते थे कि पाकिस्तान हमला कर रहा है, हमारी जान बचाओ। लेकिन अगर कोई हमारे जवानों पर हमला करता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक बार नहीं बल्कि दो दो बार उनके 400 आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया और अमेरिका भारत के साथ खड़ा था, चाइना और दुनिया भर के देश भारत के साथ खड़े थे। मंत्री इतने पर नहीं रुके और 2022 के चुनाव को लेकर एक विवादित बयान भी दे डाला। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि 2022 का चुनाव राष्ट्रवाद और आतंकवाद के ऊपर होगा। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो भाजपा को वोट करेंगे और जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम करते हैं वो अन्य पार्टी को वोट देंगे। देखिए, ये सब राष्ट्रभक्तों का कार्यक्रम है। जो राजनीतिक दल जिनकी जमीन सड़क गई है वो मोदी योगी पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ करने का काम करते हैं। आज वो लोग प्रश्न करते हैं क्या चुनाव फिर हिंदू मुस्लिम के आधार पर होगा। हमारा कहना ये है कि मोदी जी ने योगी जी ने इतना विकास के कार्य किए हैं, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान, ऐसा मिला के 100 करोड़ वैक्सीनेशन का काम हुआ है। इतना बड़ा काम होने के बावजूद भी आज लोग जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। और अगर कोई चुनाव होगा तो राष्ट्रवाद और आतंकवाद के ऊपर होगा। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जो आतंकवाद को संरक्षण देने वाले लोग हैं वे किसी और पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन ये चुनाव राष्ट्रवाद के ऊपर होगा। राष्ट्रभक्त पार्टियां राष्ट्रभक्त लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, ऐसा हमसे निवेदन भी है और हमको भरोसा है।